टीम इंडिया की गेंदबाजी को देखकर सभी रह गए हैरान। तो कुलदीप यादव ने दिया बड़ा बयान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। वर्ल्ड कप का महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम 191 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। 36 रन के बीच में ही यहां पर पाकिस्तान की टीम के 8 बल्लेबाज आउट हुए, जहां पर 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट चटकाए। तो वहीं पर कुलदीप यादव ने सबसे कमाल की गेंदबाजी करते हुए एक ओवर में ही 2 विकेट लेकर इतिहास रचा। हम बात करें मुकाबले की शुरुआत से ही, तो पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला भारत के लिए सही साबित होता दिखा, जहां पर टीम इंडिया ने दमदार गेंदबाजी करते हुए बुमराह, सिराज, हार्दिक, कुलदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए और पाकिस्तान की टीम को मात्र 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम ने 50 लगाई थी, ये वनडे में इंडिया के खिलाफ उनकी पहली 50 देखने को मिली। तो वहीं पर रिजवान ने भी 49 रन बनाए थे। 155 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की टीम के 8 विकेट गिरे। मोहम्मद सिराज ने यहां पर बाबर को बोल्ट किया। बाबर के पवेलियन जाने के बाद तो जैसे विकेट की जड़ी ही लग गई। 33वें ओवर में कुलदीप यादव ने सऊदी शकील, इसके बाद इफ्तिकार अहमद के विकेट लिए। उनके बाद जसप्रीत बुमराह ने 34वें ओवर में रिजवान और 36वें ओवर में शादाब खान को बोल्ट किया। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने भी मोहम्मद नवाब को कैच आउट कराया। उनके बाद रविंद्र जडेजा ने हसन अली और इसके साथ ही हरीश रऊप को भी आउट कर दिया। पाकिस्तान की टीम 191 रन बनाकर ऑल आउट हुई और इस तरह से 36 रन बनाने में टीम ने 8 विकेट गंवा दिए। बाबर और रिजवान ने यहां पर पाकिस्तान की टीम की पारी को संभाला था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 82 रनों की साझेदारी देखने को मिली थी। पाकिस्तान की टीम का पहला विकेट 41 रन के स्कोर पर ही गिर गया था, जहां पर मोहम्मद सिराज ने ओपनर अब्दुल्ला सफी को LBW किया। इसके बाद 13वें ओवर में हार्दिक ने इमाम उल हक को KL राहुल के हाथों से कैच आउट कराया। तो वहीं पर इसके बाद बाबर रिजवान ने तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की पार्टनरशिप की। बाबर इंडिया के खिलाफ पहली वनडे 50 के बाद सिराज की गेंद पर बोल्ट हुए। रिजवान अपनी 50 भी पूरी नहीं कर सके और टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता। रविंद्र जडेजा के पहले ओवर में रिजवान आउट होने से बचे थे। जडेजा के लेग स्टंप पर पुलर लेंथ फेंकी थी, बॉल सीधे रिजवान के पैड पर लगी। भारत ने अपील की और एम्पायर ने रिजवान को LBW करार दिया। रिजवान ने DRS ले लिया। रिप्ले में देखा तो बॉल लेग स्टंप की मिस करते हुए जा रही थी, इस कारण रिजवान नॉट आउट रहे। लेकिन 34वें ओवर में रिजवान 50 बनाने से चूक गए और उन्होंने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस किया और बुमराह ने इनको बोल्ट किया था और भारतीय टीम ने 42 ओवर में ही पाकिस्तान की टीम को क्लीन स्वीप करते हुए इतिहास रच दिया। अब टीम इंडिया के सामने 192 रनों का टारगेट है। तो वहीं पर इसके बाद कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाने के बाद पाकिस्तान की टीम को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका यह पहला वर्ल्ड कप का मुकाबला है, जिसमें वे इतिहास रचना चाहते हैं और वे चाहते थे कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ वे सबसे ज़्यादा ओवर डालें, लेकिन उन्हें कम ओवर डालने का टाइम दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान की टीम के एक के बाद एक विकेट चटका दिए। अगर उन्हें और भी मौका मिलता तो वे पाकिस्तान की टीम के विकेट अपने नाम पर करते हुए इतिहास रचते, क्योंकि यहाँ पर यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला ही भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रहता है, जो कि कमाल का देखने को मिलता है। और इस मुकाबले में इतना आसानी से पाकिस्तान की टीम को हराना सबसे ऐतिहासिक बात रहेगी कि भारतीय टीम इस मुकाबले में हरा कर इतिहास रचेगी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कुलदीप यादव की दमदार गेंदबाजी अब आगे भी हमें देखने को मिलेगी? इसके साथ ही भारतीय टीम क्या वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।